शिला पायल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक देसी चने से झटपट स्वादिष्ट सब्जी बताने जा रही हूँ। बनाने की विधि है ये, आप देखेंगे ये देसी चना है, देसी चना ये। इसको हमने फुला लिया, 6-8 घंटे में इसको पहले फुला दिया। फुला के इसको हमने कुकर में बॉईल किया। देसी चने के साथ आप आलू भी उबाल सकते हैं। इसमें आलू भी डालते हैं ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी अच्छी बने। ये उबला हुआ एक आलू दिया, इसमें ये मूली है, मूली भी डालेंगे हम, क्योंकि आजकल मूली का सीजन है। चने मूली की सब्जी अच्छी बनती है। मूली को गोल गोल काट के रख लिया, मूली को नहीं उबालना है, चना और आलू उबलेगा। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो हम बताना चाहते हैं। ये है आपका छौंक लगाने के लिए जीरा मेथी, ये मसाला धनिया जीरा जो भी आप मसाला यूज करते हैं, ये लाल मिर्च है, ये तेल है, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, सरसों हो, रिफाइंड हो, नमक है, ये हल्दी पाउडर हो गया, ये हमने चॉप करके टमाटर रख लिया है, ये बड़ा एक ओनियन काट लिया, इसमें आप देखेंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च है और ये धनिया पत्ती। इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए या इसमें टेस्ट अच्छा है, चना जब बॉयल हो जाता है तो उसको हमने मिक्सी में ऐसे दरदरा पीस लिया। अगर मिक्सी में नहीं पीसेंगे तो हाथ से या किसी मैश करने वाली चीज़ से उसको आप मैश कर सकते हैं ताकि उसकी ग्रेवी अच्छी बने। अब चलते हैं हम, चलिए आप तो बताते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिए हमने, अब इसमें हम तेल डालेंगे, तेल डाल दिया मैंने। ये लहसुन है, इसको हम थोड़ा इसमें क्रश कर लेंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें हमने लहसुन को डाल दिया, ये देखिए इसे हम क्रश करें, इसको हम करके रख लेते हैं। ये हो गया लहसुन हमारा, तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये हमने डाला। ये हरी मिर्च डाल दी इसमें, ये हमारा मेथी जीरा अच्छे से जल चुका है। अभी इसमें हम ये आपका प्याज, प्याज डाल दिए हमने, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। ये अदरक को तब तक हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। ये अदरक है, ज्यादा नहीं अदरक, थोड़ा सा अदरक डाल दें। ये हम लहसुन के साथ ही इसको बारीक काट के डाल दें। ये सब्जी के जैसे बारिश के मौसम में हरी सब्जियों की दिक्कत हो जाती है, कम आती है, क्या बनाए क्या बनाए सोचते रहते हैं ना, तो वो सब समय में ये सब्जी काम में आती है, बहुत अच्छी बनती है। सिंपल है एकदम, लेकिन बहुत अच्छी बनती है स्वादिष्ट। ऐसे भी आप बना सकते हैं चेंज के लिए कभी भी।
ये हमारा प्याज अब हल्का ब्राउन हो चला है, थोड़ा सा और भून के फिर हम इसमें, अब देखिए ये प्याज हमारा हो चुका है। इसमें हम अदरक और ये लहसुन जो क्रश किया था ये हम इसमें डाल देते हैं। अदरक लहसुन डाल दिया हमने, ये थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छे से भून जाए तो इसका सुगंध अच्छी आएगी। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालें, लहसुन और अदरक डाल के थोड़ा भूनना जरूरी होता है ताकि वो पक जाते हैं तो उसके अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। जब तो मसाले लहसुन की खुशबू आएगी। ये हो गया, इसके बाद हम अब देखेंगे ये प्याज हमारा भून चला है, भून गया है। हमने इसको हल्का ब्राउन, ज्यादा नहीं जलाना रहता प्याज, हल्का सा। अब ये हम डालेंगे इसमें, देखिए ये प्याज हो गया। अगर आप ज्यादा प्याज भून जाएंगे तो काला हो जाता, फिर सब्जी का कलर चेंज हो। इसमें हम डालें हल्दी आधे चम्मच, ये डालेंगे धनिया पाउडर मसाला एक चम्मच भर के, ये लाल मिर्च जितने आप खाते हो तीखी, नहीं तो कलर वाली लाल मिर्च है, आपको जितना खाना है उसके हिसाब से आप लाल मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर, ये हमने एक बड़ा टमाटर काट लिया, ये देखिए टमाटर डाल दिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे हम ताकि ये टमाटर अच्छे से हमारा गल जैसे हमारा गल जाता है, इसमें ये हो गया। ये मूली हमने काट के रखी है आपको, ये आलू को भी उबला आलू है ये, इसको हम इतने बड़े बड़े पीस में कर देते हैं। ये कर लिया हमने, आप देखेंगे टमाटर के बाद देखिए इस मसाले का कलर कितना अच्छा होगा। हल्का सा इसे भूनेंगे, टमाटर हमारा गल जाए थोड़ा ठीक से गल। इसमें हम ये मूली जो हमारी है, ये मूली कच्ची है हमारी, काट के हमने डाला रखा हुआ है, इसको डाल देते हैं। ये मूली ये भी थोड़ी पक जाए, ले ये मूली दो मिनट इसे ढक दिए हमने। सब्जी में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बनती है। सब आप उबाल उबाल के रख लो फिर फटाफट फटाफट सब्जी बन जाती है टाइम। ये देखो ये हमारा मूली भी हो गया। अब हम ये जो उबाल के चना रखे हुए हैं उसे हम डालते हैं, ये डाला देखिए
अगर आप गरम मसाला खाते हो तो आप डाल लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग गरम मसाला डेली यूज में लाते हैं तो वो डाल सकते हैं। ये हो गई, अब इसमें हम ये जो हमारा उबला हुआ आलू है ये डाल देंगे। ये देखिए उबला आलू है, उबला चना है, तो आप कड़ाई में ही बना सकते हैं। नहीं आपको और जल्दी करना है कि भाई जल्दी बन जाए, समय कम है, तो इसे सब भून भान के आप कुकर में डाल दीजिए और एक सीटी लगा दीजिए, बस आपकी सब्जी रेडी हो गई। ये हो गया हमारा। अब ये जो चना हमने पीस के रखा है दरदरा, इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए उसको डाल दिया, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये नहीं, ये डाल दिया हमने, अब इसको अच्छे से चलाए। इसको थोड़ा देर भून लिया, हमें इसमें नमक डालना, नमक नहीं डालना। उबालने के समय एक ध्यान रखेंगे आप, जब चना आप उबालते हैं उस समय आप नमक डाल के उबालें चने में थोड़ा सा, ताकि जब चने उबलें तो उसमें अच्छे से अंदर में नमक चला जाएगी। हमने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दिया। हो गया, दो मिनट ढक दिए। अब ये देखिए हमारी सब्जी भून गई है, हमारी सब्जी भून चुकी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल के ये हमने ये देखिए पानी डाल दिया, ये पानी पानी आप अपना जितना रसा खाना है अपनी सब्जी में यूज करना है, थोड़ा सा ये रस्से वाली ही बनती है, लिट पिट नहीं बनती है ये। देखिए कितनी सुंदर लग रही है सब्जी, आप कलर देखिए इसका, एकदम कम मसाला। ये और ये थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे ढक के, आपको जल्दीबाजी में बनाना है तो उसे आप कुकर में डाल। ये हमारी सब्जी पकने के लिए तैयार है, अब लास्ट में हम इसमें जब पक जाएगी सब्जी धनिया पत्ती डाल देंगे। और मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल शीला पायल के द्वारा एक कॉन्टेस्ट रखा गया है, जिसका लिंक आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस प्रतियोगिता की शर्तें पूरी करने वाले पहले 10 सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से किचन से रिलेटेड गिफ्ट दिया जाएगा। कृपया उस लिंक पर जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लें। आशा करती हूँ कि आप इसको जरूर देखेंगे और हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हमको आपके प्रोत्साहन और प्यार की ज़रूरत है। हम ऐसी ऐसी इजी और झटपट बनाने वाली अच्छी अच्छी रेसिपी आपको अपने अपने वीडियो के द्वारा बताते रहें। अब ये हमारी सब्जी बन रही है, इसके साथ खूब अच्छी लगती गरम गरम पूड़ियाँ तलिए, एकदम इस सब्जी के साथ खासियत है कि गरम गरम पूड़ियों के साथ ये सब्जी खाइए, चार चांद लग जाती है सब्जी में। चावल के साथ कुछ नहीं बनाना, दाल नहीं बनाना, चलो जल्दी से बनाना, चावल बनाइए, चावल के साथ खाइए। ये हमारी सब्जी, अब ये देखिए थोड़ी सी उबल जाए, पक जाए, बस हमारी सब्जी रेडी है।
झटपट रेसिपी बनाने के पीछे मेरा एक रीजन है, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ कि हर घर में लड़कियां हैं, बहुएं हैं, जो भी है, लेडी सब वर्किंग लेडी हो गई हैं। अब वो कोई आज घर में रहना पसंद नहीं, सब अर्निंग मेंबर हैं। तो उस केस में लेडीज लोग को क्या प्रॉब्लम है, घर भी देखना और ड्यूटी भी देखना, बच्चों को भी देखना, ये देखना क्या बनाए क्या नहीं बनाए, वो सोचते रह जाते हैं आजकल के, बाहर भी जाना घर भी संभालना। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं ऐसी ऐसी झटपट वाली रेसिपी बताऊं जिसमें कि जो वर्किंग लेडी है उनको प्रॉब्लम नहीं, पर वो देख के फटाक से, कि हड़बड़ी में स्ट्राइक भी नहीं करता क्या बनाए क्या बनाए, ये भी सोचने में वक्त लग जाता है। ऐसे आजकल तो इंटरनेट और यूट्यूब का जमाना है, खोले अच्छा ऐसे बनाना है, उसकी पहले से प्रिपेयर कर लीजिए तैयारी और झटपट बना लीजिए। और आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप काइंडली मेरे उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही आपको अच्छी अच्छी छोटी छोटी रेसिपी बताएं। बहुत सारी वीडियो में बताऊंगी आपको, इवनिंग स्नैक्स हुए, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में क्या इजीली बन सकता है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारी सब्जी अब करीब करीब बन गई है, ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए देख लिया ना, इसको थोड़ा रसा रखेंगे, ठंडी होती सब्जी ना तो फिर ठीक हो जाती है। आप जितना भी देख रहे हैं इसका ग्रेवी उतना नहीं रहेगा, वो जब ठंडा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये हमारी सब्जी अब बन के तैयार है। अब इसमें हमने ये जो धनिया काट के रखा है, ये धनिया डाल दीजिए, ये देखिए देखिए सब्जी देख रही नहीं कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे जरूर बनाइए और अपने हस्बैंड को, घर में फैमिली मेंबर को बना के खिलाइए। ये देखिए सब्जी, ये हमारी सब्जी बन गई। सब्जी हमारी तैयार है।